ना प्याज, ना लहसुन, ना टमाटर, ना दही, बिना इन सभी चीजों के आप बहुत ही अच्छी ग्रेवी बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं नीलू और आज मैं आपके लिए सावन स्पेशल एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जो आपको बेहद पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बिग बास्केट चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो आज हम बनाएंगे अचारी आलू और मसाला पूरी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कौन सी चीजें लगती हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम आलू और इसके लिए हमने लिए है मसाले। तो मैंने यहाँ पर लिया है सौंफ, साथ ही लिया है जीरा, साबुत धनिया, राई, सूखी लाल मिर्च, हींग, धनिया पाउडर, यह है करी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, हल्दी पाउडर और इसे बनाने के लिए हमने सरसों का तेल लिया है। तो सबसे पहले हम अचारी मसाले का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक चम्मच सौंफ, आधा चम्मच लेंगे हम जीरा, थोड़ा सा डालेंगे हम राई लगभग 1/4 टीस्पून, एक चम्मच लेंगे साबुत धनिया और ये है सूखी लाल मिर्च। इसे हमें पहले ड्राई रोस्ट करना है और इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़ी देर ठंडा करना है। तो देखिए दोस्तों, मसाला जो है वो ठंडा हो चुका है और अब हम इसे कूटेंगे। दोस्तों अगर आपको इसे मिक्सर में पीसना है तो आप पीस भी सकते हैं, लेकिन आपको इसे दरदरा पीसना होगा। तो चलिए यहाँ पर इसे हम कूट लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये मसाला तैयार कर लिया है और अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पैन में हमें लेना है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों तेल में बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। तेल में से काफी ज्यादा धुआं निकलने लगा है, अब आपको थोड़ी देर गैस को बंद करना है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मेंटेन हो जाए, उसके बाद हम बाकी की चीजें डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम राई, साथ ही डालेंगे जीरा, यहाँ पर हमने ली है कलौंजी, ये भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये कड़ी पत्ता है और थोड़ा सा डालेंगे हींग। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अब आप देख सकते हैं सारे मसाले काफी अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब हमें इसमें डालना है आलू और आलू को पहले हम फटाफट मिक्स करेंगे। तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। तो कभी कभी घर पर ऐसे सिंपल रेसिपी ट्राई जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले डालेंगे हम धनिया पाउडर, साथ ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने धनिया पाउडर एक चम्मच डाला है और लाल मिर्च पाउडर भी एक चम्मच डालेंगे। और साथ ही हम डालेंगे खटाई के लिए अमचूर का पाउडर, क्योंकि आज हम इसमें दही टमाटर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो अमचूर पाउडर जरूर डालिए। तो अब इन मसालों को हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों कितना शानदार कलर आया है। जैसे ही मसाले भून जाएंगे हम इसमें डालेंगे पानी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर ग्रेवी वाली ये सब्जी बना रहे हैं, लेकिन हमने इसमें प्याज टमाटर दही तो डाला ही नहीं है, तो अब इसमें कौन सी ऐसी चीज जाएगी जिससे कि आलू की जो ग्रेवी है वो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है ये। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम इसमें डालेंगे नमकीन, जिसे हम बारीक सेव भी कहते हैं, और जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी और स्मूथ भी बनेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों आलू जो थे वो कच्चे हैं और जैसे वो पकते जाएंगे ये जो सारी नमकीन है वो भी इसमें अच्छे से मैश हो जाएगी। तो यहाँ पर आलू को गलने तक हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है और जब तक ये पक रहा है तब तक हम मसाला पूरी की तैयारी करेंगे। तो मसाला पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है गेहूं का आटा, इसमें डालेंगे हम सूजी। दोस्तों सूजी डालने से जो हमारी पूरियां हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खस्तापन आएगा और जब वो फूलेंगी तो वो कई देर तक स्टेबल रहेंगी, इसके लिए हम इसमें सूजी डालते हैं। साथ ही डालेंगे हमारे स्वाद अनुसार नमक, अब डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही डालेंगे कलौंजी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये है कसूरी मेथी, साथ ही डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें एक अच्छा क्रंच देने के लिए हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल और मोयन के लिए डालेंगे तेल। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें इसका आटा लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों आटा लगकर तैयार हो चुका है और बस अब हम इसकी पूरियां बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम हमारी सब्जी को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी शानदार लग रही है और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हमें इसमें ये हमारा अचारी मसाला जो हमने बना कर रखा है वो डालेंगे और इसकी जो ग्रेवी है, खासकर आप इसे देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। ये देखिए, ना प्याज, ना लहसुन, ना टमाटर, ना दही,
बिना इन सभी चीजों के आप बहुत ही अच्छी ग्रेवी बना सकते हैं। अब लास्ट में हमें ऊपर से डालना है हरा धनिया और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम पूड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें आटे की एक तो छोटी सी लोई ले लेनी है और फिर हमें इसके ऊपर थोड़ा सा तिल लगाना है, इससे ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी, इसमें एक अच्छा क्रंच आएगा और दिखने में भी ये उतने ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये हमारी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो अच्छे गर्म तेल में हमें इसे डालना है और थोड़ा सा दबाते हुए इसे फ्राई करेंगे, इससे जो पूरियाँ है वो काफ़ी अच्छे से फूल जाती है। और आपने एक बात नोटिस की, जो हमने सफ़ेद तिल डाली है वो बिल्कुल भी जली नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी अचारी आलू की सब्जी और फुली फुली मसाला पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखा ना दोस्तों, कितने आसानी से हमने सावन स्पेशल दावत को कम्प्लीट कर लिया है। इसे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसे लगी। तब तक के लिए खाते रहिए, बनाते रहिए और बिग बास्केट चैनल को देखते रहिए।